हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और आज हमें डीकैथलॉन जाना है टू चेक देयर आफ्टर सेल सर्विस। और हम लोग इसलिए वहां पे जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो टेंट है MH-100 उसके जो असेंबली पोल्स होते हैं जो अभी टाइम मेरे इस हाथ में हैं, तो ये पोल्स में से उनमें से एक जो पार्ट है ना वो ब्रेकेज हो गया है। तो एक बार फिर से हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और मैं डीकैथलॉन गया था टू चेंज दीज। ये पोल्स मेरे को चेंज करने थे बिकॉज जो प्रॉब्लम आई थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। प्रॉब्लम ये है कि पोल्स सारे ही ब्रेक होने के कगार पे हैं, बट इनमें से एक पोल ब्रेक हो चुका है। दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, एक्चुअली मैं नीचे इसलिए देख रहा था, मैं ढूंढ रहा था। तो ये जो पोल आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ से ब्रेक हो गया है। जितना ज़्यादा इसको मैं बेंड करूँगा उतना ज़्यादा ये ब्रेक होता रहेगा। और इस टेंट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, ये टेंट है MH-100 जो 2% का बेसिक टेंट आता है डीकैथलॉन से, वाटरप्रूफ टेंट है। दो बंदे आराम से इसमें लेट सकते हैं, सो सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं आराम से विद देयर लगेज। तो ये 3 साल की गारंटी के साथ आता है। इस पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ईयर्स गारंटी। तो मैं डीकैथलॉन गया था ये बताने के लिए कि मेरे को अभी 1 साल हुआ है इसको लिए हुए, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 साल हुआ है। और मैंने इसको कैंपिंग की है अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 जगहों पे कैंपिंग की है। दिन गिनूँ तो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बट जगह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 6 से 7 प्लेसेस पे मैं इसको कैंप कर चुका हूँ। और उसके बाद मेरे को इतनी जल्दी ये पोल ब्रेकेज की सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जो पोल ब्रेक हुआ है वो भी एकदम वहीं से हुआ है। जैसे अभी ये क्या है, ये डिटैचेबल है, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसे करूँगा, इसके बीच का जो ये वाइट पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो वाइट पार्ट है इसका, ये इलास्टिक है, ठीक है। इसको जितना मर्जी मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। जब मैं इसको स्ट्रेच करके इसको सीधा सीधा इसके अंदर एंटर करता हूँ तो ये पोल बन जाता है एक सीधा स्ट्रेट पोल, ठीक है। अब ये जो मेटल की जो रिंग लगी हुई है, आप लोगों को ये जो रिंग दिख रही है, इसके पास से ही यहाँ से ना डेप्रिशिएट हो रहा है। तो सारे पोल्स पे यहाँ पे मार्क्स आने शुरू हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम लेके मैं डीकैथलॉन गया था ये बताने के लिए कि ऐसे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये सारे पोल्स टूट सकते हैं। और अगर कैंप करते टाइम पे ये सारे पोल्स टूटेंगे तो मतलब दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो सिर्फ एक टूटा है तो टेप वगैरह लगा के मैं चला सकता हूँ, बट स्टिल प्रोडक्ट गारंटी में है। तो मेरा बनता था कि मैं पहले उनको जाके ये बताऊँ और मैं पूछूँ कि गारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डीकैथलॉन पे मेरे को जवाब क्या मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल डीकैथलॉन लुधियाना की बात कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ कस्टमर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी, जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं बेचने से पहले उस प्रोडक्ट की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, बहुत बढ़िया है, आप यूज़ कीजिए, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। बेचने के बाद जब आप आफ्टर सेल सर्विस के लिए कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसको ये बोलते हैं, आप बताना ये बोलना सही रहेगा कि नहीं, कि आप उसको ये बोलें कि नहीं आपका इतना प्रोडक्ट चल गया, ये बहुत है, मेरे हिसाब से ये वर्थ इसकी पूरी हो चुकी है, अब आई थिंक आपको इसके पार्ट्स नए लेने पड़ेंगे। मुझे यही सेम एग्जैक्ट जवाब मिला डीकैथलॉन लुधियाना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, ऑनेस्टी रखी, उसकी भी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये टेंट 2000 रुपये का है, ठीक है, दो बंदों का। अब एक पोल, दो पोल आते हैं इसमें, एक क्रिस क्रॉस करके बनता है, ठीक है, एक जैसे एक ऐसे जाएगा तो दूसरा ऐसे आएगा, तो दो पोल्स होते हैं और बाकी कपड़ा है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक पोल का सेट है ना, डीकैथलॉन वालों के हिसाब से ये जो एक पोल का सेट है ये है 700 रुपये का। 700 रुपये प्लस 700 रुपये माइनस करो 2000 में से। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, मैंने कहा 600 रुपये का कपड़ा है ये, मतलब वाटरप्रूफ जो कपड़ा है इंक्लूडिंग जिप, इंक्लूडिंग जो जो आपने कीलें दे रखी हैं गाड़ने के लिए नीचे, ये सिर्फ उसकी वैल्यू 600 रुपये आप लगा रहे हो। तो इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है, ये वीडियो कंप्लेन करने के लिए नहीं है, वीडियो मैं तभी बनाता हूँ जब मेरे पास सोल्यूशन होता है। जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ना, ये डीकैथलॉन वालों का ही है, यही मैं देख के आया था जो ये बता रहे थे 700 रुपये की रिप्लेसमेंट, जो टेंट की पोल्स हैं वो रिप्लेसमेंट वाले हैं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो आप स्क्रीन पर प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें ना, जैसे ये टेंट है, ठीक है, अब इसमें ये जो एक एक बैंड है ना, ये जो एक बैंड होके एक पोल बनता है, ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर, मतलब 7 इसके अंदर बैंड होने के बाद 7 स्टिक इसमें हैं, 7 स्टिक इसमें हैं, ठीक है। अब जो रिप्लेसमेंट किट है उसके अंदर 10 किट हैं, पहली कंफ्यूजन तो यहाँ पे क्रिएट होती है। मैंने ये जब काउंट की तो डीकैथलॉन वालों ने बोला कि ये आपको एक्स्ट्रा दी हुई हैं ताकि अगर फ्यूचर में टूट जाए तो आप उसको चेंज कर सकें, आप समझे, फ्यूचर में टूट जाए तो आप उसको चेंज कर सकें। यहाँ पे डीकैथलॉन वाले अब पकड़े जाते हैं, यहाँ पे वो, मैं पूरे ब्रांड को डिफेम नहीं करना चाहता, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि प्रॉपरली ये जो डीकैथलॉन लुधियाना में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जब ये बोला ना कि अगर टूट जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, तब मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक हुई कि ये भी रिपेयर हो सकते हैं।
वो व्हाट दे वर डूइंग इज, देखो मेरी प्रॉब्लम ये है कि व्हाट दे वर डूइंग इज कि ये मेरे से पोल ले रहे थे, मेरे को नया वाला दे रहे थे, और इसको ऑलमोस्ट उन्होंने डस्टबिन में फेंक ही दिया था, जबकि दिस इज नॉट अ स्क्रैप थिंग। एक पोल टूट गया अगर मेरा इसके साथ में से सिर्फ एक ये वाला टूटा है तो दिस इज नॉट अ स्क्रैप। अभी ये बेकार नहीं हुआ है, इसकी वैल्यू है। अभी मैं इसको वैसे भी अभी भी टेप लगा के चला सकता हूँ, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि वो एक रिपेयर किट है। जो ये टेंट पोल की जो किट आती है ना, ये जो टेंट पोल्स हैं ये रिपेयरेबल हैं। अगर ये टूट जाते हैं तो हर एक चीज़ इसकी रिपेयरेबल है। सी, लेट मी शो यू, ये इसका एक एंड है, ठीक है। अब इस एंड पे ना आपको एक ये ब्लैक कलर का यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको आप थोड़ा सा जोर लगा के खींचेंगे ना ये खुल जाएगा। और व्हाट यू सी हेयर इज इलास्टिक, एक नॉट बंधी हुई है इलास्टिक में, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ डंडे हैं जिनके बीच में से इलास्टिक जा रही है, बाहर एक रबर की सीलेंट लगा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। जो आप 700 रुपये में पूरा जो प्रोडक्ट लेंगे उसके अंदर टोटल 10 स्टिक्स होंगी, इंक्लूडिंग इलास्टिक, इंक्लूडिंग दिस मेटल रिंग वाले, जो ये मेटल रिंग वाले जो पोल्स हैं ना वो भी उसके अंदर होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं डीकैथलॉन लुधियाना जो स्टोर है उनको डीफेम करूं, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे को मिली है, जो प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों को, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन आ रही है इन टेंट वाले यूज़र्स को, उन लोगों को बताऊं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं अब स्टोर जाऊंगा जब ये पोल की रिपेयर किट खरीदने के लिए, आज या कल, मैं एक्चुअली कल ही जाऊंगा, तो मैं उन लोगों को भी बताऊंगा कि हाँ ये रिपेयर किट है एंड यू कैन लेबल इट एज रिपेयर किट अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप चाहते ही नहीं हैं कि कस्टमर को ये पता लगे तो फिर इट्स नन ऑफ माय बिजनेस एंड इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू गाइस विद दिस यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो प्लीज़ डोंट लेट दीज बिग कंपनी फूल यू। और मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मेटल वाली रिंग है ना, अगर ये बेंड हो जाती है तो इस चीज़ की गारंटी है, प्लास्टिक फाइबर की गारंटी नहीं है, मेटल रिंग की गारंटी है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मत फेंकना, ठीक है। एक एक पोल इसका रिपेयरेबल है, इवन ये मेटल रिंग भी जो इसके साथ आती है ना वो भी उसके साथ आती हैं रिप्लेसमेंट में, वो उसमें 10 स्टिक होती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो, टू इन्फॉर्म यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।